बाबा साहब ने दो दो स्वतंत्रता संग्राम एक साथ लड़े हैं, एक अंग्रेजों से आजादी का और दूसरा अछूतों को जातिवादियों के गुलामी से आजादी का संग्राम जो उन्होंने अकेले लड़ा है। महात्मा ज्योतिबा फुले को अपनी किताब शूद्र कौन थे समर्पित करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, आधुनिक भारत का सबसे महान शूद्र जिन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं को अपनी गुलामी के प्रति जागरूक किया और बताया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन से स्वतंत्र होने से अधिक महत्वपूर्ण है। आजादी के बारे में बाबा साहब कहते हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना काफी नहीं है, जरूरत इस बात की भी है कि कैसे भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हों, ताकि हर व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिले। बेशक आजादी खुशी की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता ने हम पर अधिक जिम्मेदारियां डाली हैं। स्वतंत्रता से हमने कुछ भी गलत होने के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया। यदि इसके बाद चीजें गलत हो जाती हैं, तो हमारे पास खुद को छोड़कर कोई भी दोषी नहीं होगा। इससे चीजें बिगड़ने का ज्यादा खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई राष्ट्र नहीं है, इसका बनना अभी बाकी है। ये मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक महान भ्रम को पाल रहे हैं। हजार जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं कि अभी तक हम एक राष्ट्र नहीं हैं, दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हमारे लिए बेहतर है। दिमाग की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, भले ही वो जंजीरों में ना हो, एक गुलाम है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग आजाद नहीं है, भले ही वो जेल में ना हो, एक कैदी है। जिसका दिमाग मुक्त नहीं, भले ही वो जीवित है लेकिन मृत से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त कहता हूं जो अपने विवेक के साथ अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानता है, वो जो परिस्थितियों का दास नहीं है और हमेशा अपने पक्ष में उन्हें बदलने के लिए तैयार और प्रयासरत रहता है। मैं उसे स्वतंत्र कहता हूँ, वो जो अंधविश्वासों और परंपराओं, रीति रिवाजों और बेमतलब के अनुष्ठानों और समारोह का गुलाम नहीं है, जिसमें तर्क करने की लोभ बुझी नहीं है, मैं उसे आजाद आदमी कहता हूँ। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा? ये पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि उसने एक बार ये स्वतंत्रता खो दी थी जो उसके पास थी। क्या वो इसे दूसरी बार भी खो देगा? यह ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। मुझे इस बात का बहुत ख्याल है कि न केवल भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी है, बल्कि उसके अपने कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात ने उसे खो दिया। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यह वह सोच है जो मुझे चिंता से भर देती है। ये चिंता इस बात से गहरा जाती है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दलों के साथ विविध और विरोधी राजनीतिक पंथ हैं। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या वे देश के ऊपर पंथ को जगह देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यदि पार्टियां देश के ऊपर पंथ को स्थान देती हैं, तो हमारी स्वतंत्रता को दूसरी बार संकट में डाला जाएगा और शायद हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। इस घटना को हम सभी को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत में लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचार आता है, उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बनाए रख पाएगा या फिर खो देगा? ये दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है और मुझे पहले की तरह चिंतित करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज से ज्यादा अहम था और आज तक भारत इसे हासिल नहीं कर पाया है।